Subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. Baby! 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 कैसे प्रयोग है तुम्हें फोन करा बता दे हम तुम्हें हैं। हम तुम्हें कितने एक बार कह चुके कि हमें लोन नहीं चाहिए, बार बार हमें फोन नहीं करो, तंग कर रहे तुम फोन करके हमें, फोन रखो। अरे तुम किसका फोन था? अरे जी 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 लोन वाले हैं, हमें खूब ही तंग करा। तुम्हें भी लोन के लिए कॉल आते हैं? ए जी जी सुबह शाम तंग करा। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं बस पानी चाहिए था, मैं ले लेती हूँ। हाँ ठीक है। शोर क्यों कर रही हो? अरे हम थोड़ी गिरे जिज्जी, बर्तन गिरे, बर्तन शोर कर रहा है। लेकिन बेबी इतना शोर होगा तो जहान उठ जाएगा। अब जहान अगर उठ जाए तो तुम्हें क्या कर रही? तुम्हें बाकी के साथ अंदर होने चाहिए कि नहीं? फिर से सुलाने पड़े भाई। क्या? ये उठ। खाना तो ले आओ। बेबी हाँ अभी तो हमें तंग है। अरे बेबी तुम क्या कर रही हो? बाकी का खाना तो दे दो, मैं वेट कर रही हूँ। अरे हम भूल गए थे जी, अब तुम आ गई तो लेके चली जाओ। हाँ ठीक है जी, और जैसे को वैसे कर ले, आज ही कर ले, आज ही कर ले। हेलो मीरा, कोड रेड, तुम कितनी जल्दी आ सकती हो? टेलिंग यू मीरा, कुछ तो झोल है, बिकॉज अदरवाइज वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करती यार, और जान से तो बहुत प्यार करती है। डू यू थिंक वो सैलरी बढ़वाने के लिए फिर से नाटक कर रही है? लेकिन फिर वो छुप छुप के और हंस हंस के किससे फोन पे बात करी जा रही है? Yeah, that's true. See, my whole point is, कि वो जिससे भी बात कर रही है ना, उसका डेफिनेटली सबसे कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। इट्स माय गट फीलिंग। हाँ बट वो बात किससे कर रही है? वही तो पता नहीं यार। सी इट कांट बी हर हस्बैंड, ठीक है, जेपी नहीं हो सकता। तो फिर एक काम करो, तुम उसे बातों में उलझाओ और मैं उसके फोन से नंबर निकालती हूँ। हाँ फिर हम उस नंबर पर फोन करेंगे और ये पता करेंगे कि वो किसका नंबर है। एग्जैक्टली। कुछ तो गड़बड़ है रोहिणी, कुछ तो गड़बड़ है। Let's get to the bottom of this. Come on. कहाँ गए जीजी का चुचाने तुम्हें? बेबी मीरा, मीरा दीदी बुला रही हैं, जाओ ना। कहाँ है जीजी? वो बेबी तुमने उस दिन क्या बनाया था? कुछ बहुत ही कमाल बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मटरी? नहीं 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 मटरी नहीं, वो चावल का था, वो कुछ खीर कह रही। नहीं नहीं खीर नहीं, वो जिसमें पनीर डाला हुआ था। फ्राई पनीर पुलाव कह रही? हाँ फ्राइड पनीर पुलाव, वो बहुत कमाल का था बेबी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आए जीजी वो तो हमेशा ही अच्छा बना, हमारी देसाई मैडम ने सिखाया था हमें, अगली बार जब बनाए तो मैं खिला दें। अरे बेबी ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे जा रही हो? पूरी बात तो बताकर जाओ। ये कौन देसाई मैडम कौन है? हमारी मैडम आती। हो, बहुत बुरा लगा जानकर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे जी जी जिंदा है। अरे तो तुमने कहा ना हती। अरे हम उनके होते काम करते, जा से हती। ओ अच्छा ओके। बेबी एक मिनट, अच्छा मुझे जरा उसकी रेसिपी बताओ ना कि कैसे बनाना है, मैं तुम्हारे भैया को अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी ना। हमारे भैया को तुम काहे बना के खिलाओ? और वैसे भी जीजी हमारा भैया तो वो मरी। ओहो बहुत बुरा लगा सुनकर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिज्जी जिंदा है हमारा भैया। अरे तुमने कहा ना मरी। अरे मरीशियस में है। अच्छा मॉरिशस में है। अरे मैं तुम्हारे भाई नहीं भैया को खिलाने की बात कर रही हूँ। तुम्हारे भैया? मेरे भैया नहीं, मेरे सैया को खिलाने की बात कर रही हूँ। तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे रेसिपी बताओ। हाँ हाँ लिखो, मुझे याद रहेगा, बताओ ना तुम मुझे। काम ली है, मैं बादाम खाती हूँ बेबी, तुम बताओ मुझे।
अच्छा तो ठीक, सबसे पहले तुम दूध फाड़ दो। पुलाव बनाने के लिए दूध क्यों फाड़ना है? वहां में पनीर डले के नहीं? पर पनीर तो बाहर से भी हाँ तो ठीक है एक काम करती हूँ मैं बना लूंगी। समझ में आ गया मुझे, पनीर बाहर से लेके आना है, उसके चावल के अंदर डालना है और फिर उसके ऊपर धनिया डालना है। ठीक है, बना लूंगी। थैंक यू। मिला। सो देयर वाज दिस वन नंबर जिससे बेबी को सुबह से 5-6 बार कॉल आ चुका है, तो मैंने वो सेव किया है। ये लो, कॉल करो। एक्चुअली तुम ही करो। तुम करो ना। हाँ बट फोन तो तुम्हारा है, तो तुम ही कर लो। बट आइडिया तो तुम्हारा था, तुम करो। नहीं, आइडिया भी तो तुम्हारा ही था ना। अच्छा आई नो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना ऐसे फोन करना। हाँ आई मीन ऐसे उसकी प्राइवेसी इन्वेट करना, इज इट रियली ओके? फिर रहने देते हैं, मे बी उसका मूड ठीक नहीं होगा, कल तक ठीक हो जाएगी। हाँ उसका मूड तो खराब होता रहता है। या, राइट, तो फिर वेट कर लेते हैं कल तक। ठीक है, कल तक देखते हैं। लेट्स जस्ट वेट एंड सी। या सी, आई टोल्ड यू कि कुछ ना कुछ झोल जरूर है। आज तीसरा दिन हो गया बेबी काम पर नहीं आई है। कॉल किया उसे? हाँ किया था। हेलो बेबी। हेलो आजीजी। ये कितना टाइम हो गया, तुम आई क्यों नहीं अभी तक? आजीजी हमारी बहुत ही तबीयत खराब है, नहीं आ पाए हम। इतना धीरे क्यों बात कर रही हो? आजीजी गला खराब है ना जैसे। तो आज क्या कहती है? अरे कल से तो फोन ही नहीं उठा रही मेरा, कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? या जहान के साथ सब कुछ मैनेज करना है, वो भी बेबी और ऋषि के बगैर कितना मुश्किल होता होगा तुम्हारे लिए। अरे वो नहीं, that we should call on that number. Oh वो, yeah. Do you think? Of course, I'm sure. हेलो। हेलो कौन? हम बोल रहे। कौन? अरे हम बोल रहे। कौन? नहीं जानती। कभी मिलने आ जाओ, जान जाओगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये नंबर किसका है? नंबर तो मेरा ही है, आपको किससे बात करनी है? हेलो कौन, चंद्र प्रकाश? बोलो तो बन जाएंगे आपके लिए। रॉन्ग नंबर। जी ये बेबी किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है? आई नो राइट। ओ गॉड, तुम लफंटा टाइप था। हमें ना उसके हस्बैंड को कॉल करना चाहिए। हाँ हमें डेफिनेटली जेपी से बात करनी चाहिए। गुड आइडिया। हेलो जेपी। हेलो। हाँ मैं जिजी बोल रही हूँ। हाँ जिजी। बेबी कहाँ है? वो तो काम पे गई है। ओ अच्छा ठीक है, ओके मैं ठीक है, यही पूछना था। ओके थैंक यू, बाय। क्या हुआ? बेबी घर पे भी झूठ बोल रही है। घर पे बोला है कि काम पर गई है और काम पर आई नहीं। Do you think she's having an... With this? Ew! Oh God, what is wrong with baby? बेचारा। Do you think हमें baby को एक बार फिर से try करना चाहिए? Hello baby. Hello Chichi. कहाँ हो तुम? Chichi हमारी बहुत ही तबीयत खराब है, हम दवा खाना आए। झूठ मत बोलो। मैंने जेपी से बात की है और उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। अरे हाँ मैं मालूम है, वो तो सिर रही है, जब हम निकले वो सो रहा हो तो भाई कैसे मालूम है तुम कितने हैं? अच्छा तो तुम इतना धीरे धीरे क्यों बात कर रही हो? दवा खाना में ना चिची, मुझे आवाज में बात नहीं कर सकत, इधर लिखो भी है नो सेल है प्लीज। हाँ रख रहे चिची भाई, हमें बात नहीं करने दे रहे हैं, हम रख रहे ठीक है। अच्छा काम पे कब आओगी? चिची हमारी इतनी तबीयत खराब है, तुम हमसे कह रही काम पे कब आओगी? तुम बहुत ही निर्दयी हो गई, तुमसे जो उम्मीद नहीं होती हमें। मैं निर्दयी हो गई हूँ? निर्दयी? जेपी को लगता है कि वो काम पे गई है और मुझे बोल रही है दवा खाने में है। आई थिंक हमें जेपी को कॉल करके बताना चाहिए। डेफिनेटली है ना? यस, दैट्स नॉट इनवेजन ऑफ प्राइवेसी ना? नो दैट इज नॉट, दैट इज प्रोटेक्टिंग हिम। हेलो जेपी। हाउ जिजी। तुम्हें कुछ बताना था। हाउ जिजी बोलो। वो तुम कह रहे थे ना कि बेबी काम पे गई है। काम पे नहीं जीजी, काम से गई है। क्या?
अब बीमार आदमी को का काम होता है, अस्पताल जाना, इलाज करवावे, बस सुबह काम से गई है अस्पताल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तुम ख्याल रखो उसका। हाँ जीजी। काम से गई है? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आई थिंक फिर बीमारी होगी। जो भी है, बेबी जब आएगी तब पता चलेगा। चलो छोड़ो, अब जब तक वो आती है तब तक मैं काम करती हूँ, मैं अपने घर से खाना भिजवा देती हूँ, ओके? और अपनी मेड को बोलती हूँ कि जब तक बेबी आती है तब तक तुम्हारे घर पे भी साफ सफाई कर। दैट विल बी ग्रेट यार। डोंट वरी, तुम बस ध्यान रखो, मैं चलती हूँ। क्या स्टेटस है मैडम का? क्या बोलूँ यार, तो बात ही नहीं हो पा रही है। तो जेपी को कॉल कर लो ना। जेपी को करती हूँ, ठीक है। हेलो जेपी। अरे जिज्जी पूछो ही मत, बेबी की हालत खूब ही खराब है जिज्जी, सच कह रहे हैं हम, बहुत ही बीमार है वो। अरे जेपी बताना तो चाहिए ना, कुछ मदद चाहिए, डॉक्टर भिजवाऊं। अरे जिज्जी अब इलाज तो चल रहा है, अब जैसो चल रहा है चलन, तो तुम्हें क्या बताऊं, जितने टाइम लगे सो लगे। काफी लंबा खींच गया ना। हाँ जी, मैंने ठीक लग रहा है तो हमने सोची घर का काम निपटाया है। हमारे हाथ में थोड़ी ना है ये सब। अभी कहाँ है? नहीं हाँ सामने है, इतना ही पड़ी है। अरे उठ के खड़ी भी ना हो पा रही, बताओ सारो ड्राई लिक्विड इतना ही हो रहा हो। अरे बेबी जीजी से बात करो ना, मैं मुंडी हिला रही थी देखो। अच्छा चलो मैं कोशिश करती हूँ, एक सेकेंड होल्ड तो करो, होल्ड करो, बात करो। हेलो भैया। अरे बेबी तुम मुझे क्या कर रही है? अरे जेपी हम तो इतना ही हैं। ए बेबी, अरे तो जे हम हमारे सामने को पड़ो है, अरे हम की दवा दारू कर रहे हैं। जेपी तुम फोन रखो। क्या चल रहा है ये? वो कह रहा है कि तुम वहां हो लेकिन तुम यहाँ हो, तुम हो कहाँ इतने दिन से? अरे चिची वो तो सिर रही है, वो कछु भी बोला। अच्छा कछु भी बोला? कछु भी बोला मतलब? अरे चिची वो पैसों के लाने ना कछु भी बोल सका। अरे पैसों के लिए किसका फोन आ रहा है बार बार? अरे चिची वो लोन वाले तुम्हें बताई तो हती माता खाऊ थमाओ। अरे उन्हें मना कर दो ना कि तुम्हें लोन नहीं। अरे यार मुझे तो। हेलो, हाँ हमें लोन नहीं चाहिए बाबा, आप हमारा नंबर डिलीट करो अपने डेटाबेस से। अरे भाई बेबी से बात कराओ मेरी। कौन बोल रहे हैं? बेबी मेरे घर काम करती है, सुबह से वेट कर रही हूँ उसका, वो समझती क्या है अपने आप को, झक मार रही हूँ मैं यहाँ पे, फोन दो उसको। मैं आपको कॉल बैक कराती हूँ। तो ये चक्कर है, किसी और के घर काम कर रही है ये और उसका कॉल आ रहा है। अरे चिची पैसा अच्छे दे रहे हैं हमें 16,000 रुपया, फिर भी हम काम नहीं कर रहे होते, ट्राई कर रहे थे। अच्छा ट्राई कर रही थी, फिर ठीक है, कमाल कर रही हो तुम बेबी, बिना बताए तुमने काम छोड़ दिया, कहीं और काम करने लग गई, तो सोचा भी नहीं हमारे बारे में। हम तुम्हें इतनी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, कितना तुम्हें घर के मेंबर की तरह रखते हैं, और तुम्हें उसका ये सलाह दिया हमें। जी गलती हो गई हमसे, हम जानते हैं कि तुम हमें खूब लार देत, प्यार देत, इज्जत देत, पिज्जा देत, बर्गर देत, हो जे घर छोड़ के हम कितों नहीं जाए, बल्कि जिज्जी हम तुम्हें कहा बताए होते तो इतनी दुर्गति हो गई हमारी। हमने उनके लाने फ्राई पनीर पुलाव बनाओ और बिंदिया में चखने के लाने भी नहीं दाओ, बोले वाह वेरी गुड, इतने कच्चो बनो है फ्रिज में रख दो शाम को खे हैं। जिज्जी माफ कर दो हमें, छोटी बहन समझ के माफ कर दो जिज्जी, अगर तुम्हें इतने अच्छे से रखता तो जहान के बिना तो हम जी ही नहीं लगा उतरे, तो हम बिल्कुल रो दाए बाके बिना, जिज्जी प्लीज रख लो। अच्छा ठीक है ओके, तुम बर्तन करो, मैं सोचती हूँ। चलो चलो सोचती हूँ सारी जिज्जी। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, नाउ शी इज टोटली आउट ऑफ द सर्कल ऑफ ट्रस्ट, ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, जब मन चाहा काम छोड़ दिया, हम पागलों की तरह इधर उधर फोन कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि है कहाँ, आ रही है कि नहीं आज, दिस इज नॉट डन, यू आर ऑब्वियसली नॉट गोना कीप हर राइट? ऑब्वियसली आई एम। वो वापस आ गई, शी चोज मी ओवर हर, डू यू नो व्हाट दैट प्रूव्स? व्हाट इट प्रूव्स? दैट शी इज बैक इन द सर्कल ऑफ ट्रस्ट, आई कैन ट्रस्ट हर। और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, उसे बेबी कहते हैं। यू नो हाउ इट इज। बेबी चाय बनाओ, चाय और सिर्फ 2 कप। हाँ जी बना रहे, पीने लो उसको। Hey guys, hope you liked the episode today, and if you did, then do not forget to like, share, and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. And we have some amazing news for you, and that is the contests are back. Woohoo! So guys, पिछले एक एपिसोड में आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि मैं हर एपिसोड में सेम जीन्स पहनती हूँ, आज मैंने सेम जीन्स नहीं पहनी है, बट आज का कॉन्टेस्ट ये है कि आपको ये बताना है कि मैंने वो फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स
कितने SIT के एपिसोड्स में पहनी। इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत पुरानी जीन्स नहीं है, नई जीन्स है, सो यू कैन जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट काउंटिंग एंड टू लकी विनर्स विल विन देमसेल्फ फ्री SIT मर्चेंडाइज। So get cracking and we are going to see you very very soon with an amazing episode. So till then, this is all of us signing out. Love and peace from Asinu. Bye bye. I got to do this after a very long time. Hai na? Yeah, I forgot how to do it. Do you know my jeans they are? No, I don't. There is a sky blue one that like. Tum monkey wash mat. Chho theek hai. Tha shor hoga. Sorry. Jahan uth jaye to tumhe kya kar rahi thi? Fir se sola le pade. जरूरत नहीं है, फिर भी बोल दिया। बोलते ही हैं लोग स्पीक ऑफ द डेविल, जरूरत थोड़ी होती है स्पीक ऑफ द डेविल, तो आ ही गया ना तो स्पीक ऑफ द डेविल। अरे उनके अते हम काम करते, अरे हम उनके तो घर पे भी झूठ बोलकर आई है, निकली है। हम जाना थे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फ्राई पुलाव पनीर बनाओ। फ्राई पनीर पुलाव। हम क्या बोल गए? हमने उनके लाने फ्राई पुलाव पनीर पुलाव। फ्राई पनीर, फ्राई पुलाव पनीर बनाओ, पनीर पुलाव बनाओ। फ्राई पनीर, फ्राई पनीर, फ्राई पनीर, फ्राई पनीर।